कैसे चढ़ा है। उतरो उतरो, चले नीचे उतरो, चाचा मारेंगे। ये बंदर उतर नीचे, कैसे चढ़ा फटाक से। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल बनारसी ब्लॉगर पूजा। तो दोस्तों, आज मॉर्निंग से स्टार्ट हुई ब्लॉगिंग करना। अभी जस्ट नहा के आई हूँ और बस यहाँ रेडी होने जा रही। थोड़ा सा कुछ खास नहीं है, अभी बाल गीला है, हेयर वॉश किए हैं तो, और बस ऐसे ही तैयारी चल रही है। मतलब अभी जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे। और अभी तो गर्मी भाई कितना भयंकर अभी गर्मी लग रही है, मैं क्या ही बताऊँ। अभी दो दिन से हम लोग छत पे सो रहे हैं, तो इसीलिए जल्दी और पहले ही सुबह उठ जा रहे हैं। छत पे सोने का मतलब कि 5 ही बजे, ऐसे तो हम 6 साढ़े 6 बजे उठते थे क्योंकि कोई काम ही नहीं। अभी उसके लिए उठना मतलब युग तो उठ जाता है, पर लेके अभी क्योंकि सब सोए रहते थे तो अभी युग और परेशान करता है सबको। जैसे सब बरामदे वगैरह में तो किसी के उंगली नाक में करता है, आँख में डाल देता है, कुछ भी कर देता है, पैर में काट लेता है। इसलिए मम्मी जी कहती हैं भैया जी लोग भाभी इसको अंदर ही लेके रहा करिए, 5 बजे तो मत ही उठ जाया करिए, हल्ला करने लगता है चिल्लाने। तो उसकी वजह से मुझे रूम में ही सोना पड़ता है, लेकिन 6 बजे 6:30 बज जाता है। अभी तो छत पर सो रही हूँ तो वो भी छत पर तो और जल्दी उठ जा रहा है, उजाला हो जाता है। तो उसके चक्कर में नीचे लेके आती हूँ तो सब छत पर रहते हैं। तो बस यहाँ पर अब मैं रेडी हो रही हूँ, अब बहू रानी रेडी होकर चलेंगी पूजा पाठ करने के लिए। यही सब है अपना, क्या मतलब कहीं आना जाना तो है नहीं इतना। वैसे तो बहुत घूमती हूँ भाई, आना जाना रहता है, फिर भी जो अपना जैसे डेली का होता है तो चीज़ें करना ही चाहिए। तो आज मैं अपनी मम्मी जी की साड़ी पहनी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मम्मी जी ऐसे निकाली थी, अलमारी दिख रहे थे, तो बस हम कि आज मम्मी जी की साड़ी पहन ली। वैसे मैं मम्मी जी की साड़ियाँ पहनती रहती हूँ। अभी इनको ना साड़ी मिली थी जहाँ हम लोग गए थे छोटी दुरान देखने, वहाँ से वो भी दे दी मुझे, ले ले लो अपना पहनो सिलाओ। तो हम बोले सब अपना ही दे दे रही मुझे, क्या करना है मुझे, मैं क्या करूँगी पहन के सब चीज़, अब तुम ही लोग पहनो, आएंगे वो लोग तुम लोग अपना सब पहनना, हमको जो पहनना होगा हम पहन लेंगे तुम ही लोग का। हम कह चलिए, कहे ब्लाउज अपने नाप का करा लो, साड़ी तो हम मतलब ब्लाउज कोई भी पहन सकते, उसका जरूरी नहीं साड़ी का ही पहनो। वैसे मम्मी जी को मेरे होता भी नहीं साड़ी का ब्लाउज, अलग से रेडीमेड ही अपने लिए वो लेती हैं। हम कहे चलो कोई बात नहीं, तो इसलिए मम्मी जी की सारी साड़ियाँ मैं यूज करती हूँ, एक दो बार मैं पहनूँ मम्मी जी फिर पहनती हैं। तो बस यहाँ अभी उसकी शैतानी देख लीजिए, तो यहाँ सब गेहूँ वगैरह सब फटका के रखा रहा है क्योंकि अभी बारिश का सीज़न आने वाला है। तो मम्मी जी सब गेहूँ वगैरह धुलवा के रखवा दे रही हैं, दाल चना वगैरह सब, क्योंकि कीड़े लग जाते हैं बारिश में। हाँ, तो मम्मी जी सब चीज़ साफ़ करवा के रख स्टोर करके रखवा दे रही हैं अभी के लिए फ़िलहाल, फिर शादी में जब होगा फिर से सब चीज़ें साफ़ होंगे। तो अभी जैसे 2 महीने तक तो बारिश होगा रेगुलर, अभी तो डबल सावन लग रहा है, 2 सावन 2 महीना मतलब रहेगा। इसीलिए मम्मी जी क्योंकि सावन में तो गेहूँ वगैरह धुला नहीं सकता है ना, तो इसीलिए सब धुलवा के रख दे रही हैं। तो दादी ये धुलती वगैरह कर लेती हैं, या एक दो दादी मिल के काम करती हैं अभी ये सब। तो चलिए भाई अब आगे हम किचन में, हो गया स्टार्ट हो गया, बोरिंग आप लोग को हो जाते हैं कोई बात नहीं, देख लिया खरीद करके थोड़ा थोड़ा। तो आज मैं छोला भटूरा बना रही हूँ, तो नाश्ते में आज यही होगा। तो बस बने रहिए, देखते रहिए वीडियो को और प्यार सपोर्ट देते रहिएगा। भटूरा है और बनते जा रहा है, सब लोग खाते जा रहे हैं। मतलब पूरी सब्ज़ी आप बनाओ, छोला भटूरा बनाओ, ये सब चीज़ें आप बनाओगी ना तो खाने वाले किचन में मनराते रहेंगे। और अगर
जैसे पोहा हुआ, कोई और चीज़ें बनाएंगे तो रख दो जैसे टेबल पे, आप बना के तो बुलाना पड़ता ही है। जैसे पूरी छोला भटूरा सब बनाएंगे तो अरे बाप रे, तो बिना बुलाए सब आ जाते हैं। मेरे छोटे भैया तोड़ के भाव जैसे किचन में घुसूंगे कहेंगे वाह वाह भी क्या महक रहा है, अभी कढ़ाई रख रही हूँ कुछ महक नहीं रहा, अभी गेट खोल के बस कढ़ाई। तो ऐसे हाल है यहाँ पे, पर बहुत अच्छा, मेरा मन बहुत लगता है अपने यहाँ ससुराल में, क्या ही मैं बताऊँ। नंद तो है नहीं, जो है मेरे दोनों यही देवर है, नंद भी रहती तो शायद और मज़ा आता, पर हो कोई नहीं, मेरे भैया छोटे वाले वही मज़ा लगा देते हैं, कोई चीज़ एक ऐसी सी बातें बोलते हैं ना, मैं क्या ही बताऊँ। जैसे मम्मी जी कोई सब्जी खा रही, उनका नहीं मन है तो कहेंगी सबको हो जाएगा, मैं हंस रहा, लोग कहेंगे पागल है, कहेंगे सबको हो जाएगा ना सब्जी। हम बोले मम्मी जी क्या बात है आज ऐसे पूछ रही हैं, तो भैया जी कह रहे हैं उनसे खाया नहीं जा रहा है इसीलिए बोल रही हैं। मम्मी जी कह रही है हाँ कमीना बताती हूँ भाभी को पा कैसा बोलता है, क्योंकि हो जाता है। मम्मी जी कह रहे हैं भाभी जब किसी से कुछ चीज़ खाया नहीं जाता ऐसे सामने वाला बोलता है सबके लिए हो जाएगा ना, नहीं तो कोई नहीं पूछेगा। हम कि आप कहें भैया जी अभी इस बार ना मेरा आटा बहुत ख़राब मतलब पीस दिया चक्की वाला, तो आठ रोटी नहीं बनते, तो भैया जी रो रोटी लिए एक कहाँ तक करे भाभी सब रोटी हो जाएगा। हम बोले हाँ क्यों ऐसे बोल रहे हैं, कि नहीं मैं रख दे रहा हूँ मतलब कम पड़ जाए आपको गर्मी में बनाना ज़्यादा ना पड़े इसीलिए। तो मैं नहीं समझी, फिर मैं बाद में समझी जब हंसने लगे, हम कहे हाँ आपके एक ही रोटी से तो हो जाएगा पूरे घर में ना, बड़े आए मेरा चिंता करने वाले। तो इसी से टाइम पास वगैरह सब चीज़ हो जाता है मेरा मन, जो दो दो महीने आके मैं यहाँ रह लेती हूँ ढाई महीने अभी तो और रहती, पर क्या है कि अभी आकृति का स्कूल खुलने वाला है ना, तो बस मुझे निकलना है वन वीक में तक, मतलब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी अभी, इसीलिए सबको सोच रही अच्छे से आइटम बना के खिला दूँ। वैसे फिलहाल जब से आई मैं अच्छे ही आइटम सब बना के खिला ही रही, ऐसा कोई नहीं है कि मैं, और मुझे अच्छा लगता है मैं दिल से काम करती हूँ, कोई ऐसा नहीं दिखावटी बनावती या हो ऐसा कुछ नहीं, जो भी करो दिल से करो यार। ये देखिए इस नालायक बच्चे को आप लोग गौर से, अभी ये नहा धो लिया है ना तो इसको नींद आ रही थी, इसको अभी मैं नहीं सुलाऊंगी। मेरे बड़े भैया जी बोले भाभी अभी इसको नहीं सुलाना क्योंकि अभी 11:30 बजे, अगर ये सो लिया ना तो जैसे हम लोग 1:30-2 बजे खाली होंगे सोने के, तैसे उठ के सबको उंगली करेगा सबके, वही जो मैं कंप्लेन की अभी। तो इसको दूध मैं दे रही हूँ, चलो दूध लो, अभी गुस्सा आया है कहीं और जा रहा था कुछ करने के लिए, मतलब अपना दिमाग लगाने के नुकसान वाला, इसको डांट दी तो रूम में जाके छुप रहा था, पर मैं इसको ढूंढ रही हूँ हर जगह। तो ये बॉटल के लिए चिल्ला रहा है, गुस्सा आया है क्योंकि जैसे मैं दूध दूंगी ना पी के सो जाए, क्योंकि अभी जैसे ही नहाता है ना इसको नींद आती है, ठंडा ठंडा लगता है ना, वैसे मोगली बन जाता है जिस दिन इसका हेयर वाश मैं करती हूँ। तो देखिए अभी गिरेगा, भागता है ना, सोचता है मैं भाग जाऊँगा जीत जाऊँगा, पर देखिए यह कैसे एक्टिंग किया है। और पता है एक दिन का गिरा हुआ एक हफ्ते तक उस चीज़ को डांटेंगी ना, कहेगा हाँ मतलब दर्द हो रहा है मुझे, हम कहे चल झूठा तेरे से ज़्यादा मैं, मुझे पता है। तो बस शाम का टाइम हो गया दोस्तों, तो अभी सब लोग सो उठे, तो हम यहाँ आए थे बारिश क्योंकि पानी आ गया है जो नल का आता है मेरे यहाँ, तो सब पेड़ों में डालना होता है, कितना खिला खिला रखता है ना शाम के समय जो धूप, जैसे सूर्य भगवान को डूबते हैं ना तो धूप जो आता है बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं सब क्या आप लोग को दिखा दूँ, कितने सारा मेरे यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे लग गए हैं अभी। तो अभी हम छत पर आ गए हैं, मतलब और लेट हो गया, मतलब ऑटो था ही शाम 4:30 कुछ ऐसा, अभी तो 6 बज रहा है, तो छत पे आए थे, वाह कितना अच्छा व्यू मतलब लग रहा था, बद्री टाइप का भी रेगुलरली हम बद्री, चाहे गांव चाहे जिस वजह से शाम समय इतना बद्री लगता है ना, ठंडा ठंडा हवा में तो बोर वाले छत पे आके बैठती मैं बहुत, और रात को तो इतना ठंडा लगता है छत पे सोने में, ऊपर तो भैया जी लोग सोते हैं और नीचे वाले पर हम सब लोग सोते हैं, मम्मी जी मैं मेरी मौसी जी की लड़की आई हैं सास की, वो तो इतना ठंडा ऊपर लगता है कि क्या ही बताऊँ। तो अभी अभी भी आ गया मेरे पीछे पीछे पूंछ बन के, इतना नल इसको पानी से पता नहीं कितनी हो है, पानी बहुत पसंद है, पीता भी है खिलता भी रहता है। तो यहाँ नल है मैं बंद कर दी, कोई मुझे कमेंट ना करे पानी वेस्ट करने के, ज्ञान देने के लिए बहुत से लोग आते हैं। तो ये स्पाइडर मैन है तो हर जगह ये चढ़ता है, तो मेरी बेटी दोनों बच्चों को लेके मैं छत पर आई हूँ टहलने के लिए, मैं थोड़ा वो शाम को छत पर आ जाती हूँ, बच्चों के साथ खुद की मतलब वो एनर्जी आ जाती है, ठंडा ठंडा हवा भी मिल जाता है, कोई है नहीं इसलिए अपना, कोई लड़की रहे अगल बगल भी हैं एक दो लड़कियां तो रोज़ रोज़ अच्छा नहीं लगता ना किसी को बुलाना है ना, तो अपनी बेटी के साथ दोनों बच्चों के साथ छत पे टहलते रहते हैं। तो यहाँ भी अब देखिएगा कहाँ कहाँ चढ़ता है भाई, इसको छत पे भी लाना गुनाह होता है, क्या बहुत नुकसान करता है हर एक चीज़, मतलब देखिए इस पर चढ़ रहा है जबकि बहुत पतला है इसका जो गुण, पर इसको चढ़ना है अपना कला दिखाना है, फट से चढ़ता है, पर मैं सेफ्टी के साथ इसके पास खड़ी हूँ, कोई ना बोले कील निकला हुआ है सब, क्योंकि मैं माँ मुझे पता है मैं खुद पास में खड़ी हूँ, आप लोग जूम देख रहे ना पास से, तो मैं पास खड़ी हूँ दूर नहीं हूँ, इसीलिए मैं सेफ्टी के साथ है। तो यही सब बदमाशी है भाई अभी मेरे बच्चे का,
क्या करूँ, बहुत थका देता है इतना कि रात को सोती हूँ मैं, एक ही बार में सुबह हो जाता है, ऐसा थक जाती हूँ इसके चक्कर में। आगे सबको टेंशन है कैसे बनारस रहेगा यार, देखते हैं, मुझे खुद टेंशन हो रही है। इस तरह से इसके साथ के बच्चे ना अभी इतना नहीं एक्टिव है जितना ये, मतलब है शैतानी करता है, पूरा बंदर है, मम्मी जी कहती पूरा बंदर है ये। तो यहाँ ये अब इसको ना डांट पड़ी है तब बोर्ड पे बोर्ड खोल रहा है, चेयर लगा के लाइट जलाना, रात को देख लिया था ना तो अभी जलाना, अपनी दीदी से बोला था, आखिर दीदी बोली मम्मा मैं खोल, बोले नहीं रहने दो। तो हो गया, अभी भागेगा दूसरी। यहाँ पे देखिए ये रूम है ना, अरे एक गलेरा हम लोग बोलते हैं, अब जो पता नहीं क्या बोलता है, इसको लॉक करके रखा जाता है क्योंकि ये कभी भी चोरी से छत पे आता है ना, सामने फ्रंट साइड जाके ना हिलाता है तो बहुत कमज़ोर है, तो टूट जाए, उसको भी तोड़वा के बनाने वाले हैं तो इसलिए उसको बंद करके रखते हैं। तो ये सामने हुआ है हम लोग का, जहाँ आलू नहीं था वहाँ पर उस साइड है, तो हर जगह लाइट बोर्ड वगैरह, देखो यहाँ भी बोर्ड ही इसको चाहिए खोलने के लिए। तो यही सब है, और आप लोग देखिए छत पर से मेरा ये कैसा लग रहा है रूम जो बना है। चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म हो रहा है, फिर कोई वीडियो के साथ बोर करने के लिए आप लोग के साथ हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिएगा, अपना ढेर सारा प्यार मुझे मेरे बच्चों को मेरी फैमिली को देते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।